आउटफिट में कुछ डिफरेंट आउटफिट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि थोड़े डिफरेंट लग रहे थे लेकिन बहुत ज्यादा प्यारे हैं। सेलिब्रिटी स्टाइल, इसमें आपको मिक्स कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें साड़ी हो गया, लहंगा हो गया, कुर्ता शरारा, स्कर्ट, टॉप सेट, सब कुछ मैंने इसमें मिक्स किया है। तो आई होप आपको आज का कलेक्शन पसंद आएगा। एज यूजुअल सारे आउटफिट रीसेलिंग में है, इनकी जो रीसेलिंग प्राइस है ना मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप कुछ भी लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दे रही हूँ। वहां पे ना मैंने अपनी शादी की पिक्चर्स भी अपलोड की है, कुछ वीडियोज भी अपलोड किए, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, प्लस आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे दे दूंगी, तो आप मुझे वहां पे मैसेज करिए। पर ओनली मेरे पास सिंगल सिंगल पीस होता है, तो अगर आपको लेना है तो थोड़ा आप जल्दी मैसेज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। और हाँ, जितने प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल, इस वाले से स्टार्ट करते हैं। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की आई है। एंड ये स्कर्ट एंड पैपलम स्टाइल कुर्ती का जो है सेट है, साथ में ना आपको इमेज दे दूंगी साइड में, रीसेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे डाल दूंगी, जिससे आपको एक बार क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट दिखने में कैसा है। एंड पैकेजिंग कुछ इस तरीके की निकली है, इसमें ना आपको शॉर्ट कुर्ती मिलती है एंड नीचे ना आपको इस तरीके का इसमें बॉटम देखने को मिल जाता है, काइंड ऑफ स्कर्ट ओनली है ना, ये स्कर्ट और मतलब टॉप का सेट है, इसमें आपको दुपट्टा नहीं मिलता है। तो अगर आप दुपट्टा के साथ कैरी करना चाहें तो आपके पास कोई भी दुपट्टा होना उसके साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हैं, जैसे इसमें पिंक बहुत अच्छे से जाएगा दुपट्टा, ऑरेंज दुपट्टे के साथ भी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं ना आपको कुर्ती बताती हूँ, इसमें आपको इस तरीके की सिक्वेंस की कुर्ती देखने को मिल जाएगी, जॉर्जेट फैब्रिक में है और इस तरीके की आपको स्वीट आर्ट नेक इसमें देखने को मिलेगी। ये पूरा है ना, इसमें ट्रांसपेरेंट सिक्वेंस यूज किए हैं और ना डिजिटल प्रिंट में जो फैब्रिक आता है ना फ्लावर प्रिंट वाला, वो इसमें यूज किया हुआ है। पैडेड कुर्ती है ये वाली और फ्री साइज में है, तो अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में हो तो भी आपके इजीली आ जाएगी, एस एम और एल में हो तो आप इजीली इसे अल्टर करा सकते हो। यहाँ पे आपको पैड देखने को मिल जाएंगे, पैड की क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और सिक्वेंस पे इसमें काम किया हुआ है। ये इतना जो पार्ट देख रहे हो ना आप, यहाँ तक इसमें लाइनिंग दी हुई है, बाकी नीचे है ना इसमें लाइनिंग नहीं है, ये आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंट है। नीचे बैक क्लोजर इसमें आपको दिया हुआ है, इस तरीके का आपको इसमें बैक क्लोजर देखने को मिल जाएगा और नीचे ना इस तरीके का कट आएगा। तो ये बहुत ही सुंदर सा एक डिजाइनर सा पीस लग रहा था मुझे, क्योंकि अगर आप इसे फुली अल्टर वगैरह करा के जब स्टाइल करते हो हैवी ज्वेलरी के साथ, तो कोई सा भी वेडिंग फंक्शन हो उसमें आप इसे स्टाइल कर सकते हो, काफी अच्छा लुक आएगा इसको स्टाइल करने के बाद। साथ में ना आपको मिल जाता है इसमें बॉटम, इस तरीके की आपको स्कर्ट मिलती है ना, पूरा रेडी टू वियर है ये। यहाँ पे आपको ना इसमें टैसल बहुत ज्यादा प्यारे दिए हुए हैं, काइंड ऑफ इस तरीके के आपको बहुत ही प्यारे से टैसल देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा डिजाइनर लग रहे हैं। आप इसमें चाहे ना तो स्टोन वगैरह आप लगवा सकते हो, स्टिक करा सकते हो और अच्छा लुक हो जाएगा। ये प्लेन स्कर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी, इसका जो फ्लेयर है वो बहुत ज्यादा हैवी है, आपको इसमें कैंकियन स्कर्ट या कैंकियन लगवाने की कोई नीड नहीं है। जॉर्जेट फैब्रिक में है, अंदर की साइड प्रॉपर लाइनिंग अटैच है और नीचे आपको इस तरीके का रफल पैटर्न इसमें देखने को मिल जाएगा। एक बार कंप्लीट लुक आप साइड में देख लेना, मुझे कलर भी डिफरेंट लग रहा था, ड्रेस भी डिफरेंट है तो अच्छी लगेगी पहनने के बाद। प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है तो आप इसे बाय कर सकते हो, समर के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा एप्रोप्रिएट कलर है, ड्रेस है, डिजाइन है, तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ये एक ऐसा कुर्ता सेट है जो ना आपको मिंत्रा वगैरह पे भी इजीली देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहां पे देखोगे ना आपको काफी हमारा प्राइस में डिफरेंस लगेगा यहाँ की और वहां की प्राइस में। यहाँ पे बहुत कम प्राइस में दिया हुआ है और ना मैंने कई बार ऐसे आउटफिट देखे हैं जो मीशो पे भी सेम होते हैं, मिंत्रा फ्लिपकार्ट पे भी सेम होते हैं, लेकिन प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये मैंने ना वहां पे भी देखा था, बहुत प्राइस में डिफरेंस था, फिर मैंने यहाँ से परचेज किया। ये ना कुछ इस तरीके की चंदेरी सिल्क में कुर्ती आएगी, साथ में है ना इसमें बॉटम दिया हुआ है और दुपट्टा है। तो सबसे पहले मैं आपको कुर्ती बताती हूँ, लुक एट दिस, ये फ्रंट है इसका जिसमें आपको जरी वर्क देखने को मिल जाएगा, गोल्डन सिक्वेंस का काम किया हुआ है जो कि काफी हैवी नेकलाइन इसमें दी हुई है कुछ इस तरीके का। और आप ना एक बार क्वालिटी देखो, बहुत ही ज्यादा नीटली काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है थ्रेड निकल रहा है या सिक्वेंस निकल रहे हैं, कुछ इस तरीके के 3/4 स्लीव्स है। यहाँ पे आपको फॉइल प्रिंट इसमें देखने को मिल जाएगा, ये पूरी है जो चंदेरी सिल्क में है, अंदर की साइड प्रॉपर लाइनिंग अटैच है, स्ट्रेट पैटर्न में है और इसमें जो मैंने साइज लिया है वो मीडियम साइज लिया है, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे।
समर्स के अकॉर्डिंग चंदेरी सिल्क फैब्रिक रहता तो अच्छा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी आप चंदेरी परचेज कर रहे हैं ना तो उसमें एक अपने से बड़ा साइज परचेज करना। वैसे कुर्ती में मैं स्मॉल में जाती हूँ, लेकिन मैंने इसमें मीडियम लिया क्योंकि चंदेरी सिल्क फैब्रिक है ना थोड़ा लूज हो तो ही अच्छा लगता है, वरना अनकंफर्टेबल होने लग जाता है, थोड़ा चुभता है, इरिटेट करता है बॉडी को, तो एक बड़ा साइज ही आप इसमें परचेज करना। साथ में ना इसमें मिल जाएगा आपको कुछ इस तरीके का बॉटम, लुक एट दिस, ये सिल्क फैब्रिक में इन्होंने दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का एक प्लाजो है, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो शरारा है, प्लाजो है, ज्यादा ब्रॉड नहीं है, इलास्टिक वाला है और इस तरीके का है, तो लुक एट दिस, इतना है एक पैर, तो काफी अच्छा है, क्वालिटी बहुत अमेजिंग आई है इसकी। प्लेन आपको ये देखने को मिल जाएगा और साथ में जो दुपट्टा दिया हुआ है ना वो नेट फैब्रिक में आपको दुपट्टा दिया हुआ है, जो कि ज्यादा ब्रॉड नहीं है, इतना ही ब्रॉड है, लेकिन लेंथ इसकी प्रॉपर है, पूरा 2.25 मीटर में आपको ये दुपट्टा देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको ना गोटे की डिटेलिंग दी हुई है गोल्डन कलर के, तो इस तरीके का ये आएगा। इसका कलर भी है ना वो प्रॉपर येलो कलर नहीं है, तो आप ना कोई भी हल्दी फंक्शन में हो गया आप इसे स्टाइल कर सकते हो, या फिर कोई ना ऐसा मतलब पूजा है तो उसके अकॉर्डिंग ना बेस्ट ये वाला कुर्ता सेट है, क्योंकि कलर बहुत प्यारा लग रहा है, स्पेशली अगर आप दिन में इस ड्रेस को स्टाइल करते हो ना तो बहुत अच्छा लुक है। नेक्स्ट आउटफिट को शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, ये है स्विस ब्यूटी का लूज फॉइल पिगमेंट्स, ये इस तरीके की पैकेजिंग आती है, इसमें ना आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मैंने ना इसमें गोल्डन जो कॉपर शेड आता है ना वो मैंने पिक किया है, पैकेजिंग कुछ इस तरीके की आती है कि आपको ना नेट वेट इसमें 3 ग्राम आपको देखने को मिलता है, लेकिन है ना मैं इसे काफी लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे ग्लिटर जो है आई शेडो यूज किए हुए हैं, लेकिन ऐसा होता है तो वो बहुत महंगे आते हैं, दूसरी चीज लगाने के बाद वो इधर उधर ट्रांसफर होते हैं और एक बार आप देखोगे ना लगाओगे उसके बाद उनकी शाइन चले जाती है, थोड़ी देर में गायब हो जाती है, लेकिन अगर आपको आई शेडो चाहिए जो कि क्वालिटी भी अच्छी हो, लाइट वेट भी हो, ट्रांसफर भी नहीं हो, प्लस एज इट इज रहे लॉन्ग टाइम, तो आप ना इस स्विस ब्यूटी का ट्राई कर सकते हो, मुझे काफी अच्छा लगा। इसमें मेरा जो नंबर है वो है 06, जिसमें आपको बहुत सारे शेड देखने को मिल जाते हैं, लूज फॉइल है, मतलब लूज फॉइल पिगमेंट्स है, ये इजिली आप अपने फिंगर में, मतलब एक फिंगर की हेल्प से आप इसे इजिली लगा सकते हो, क्वालिटी अमेजिंग है, तो मैं इस प्रोडक्ट को ना व्यू प्रोडक्ट में यहाँ पे टैग कर रही हूँ, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, काफी अफोर्डेबल प्राइस में है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इसको, एंड है ना कोई भी वेडिंग फंक्शन हो, कोई भी कहीं पे भी आपको लगवाना हो, बेस्ट है ये ग्लिटर आई शेडो। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया है, साइड में आपको ना पिक्चर से पूरा प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा, ये मुझे ना थोड़ा डिफरेंट लग रहा था इसलिए मैंने परचेस किया, रेटिंग तो अच्छी थी ही। ये कुर्ती दुपट्टा एंड प्लाजो सेट है, तो सबसे पहले मैं आपको प्लाजो बताती हूँ जो कि प्लेन इन्होंने दिया हुआ है, इसका जो कलर है ना वो बेस शेड में आएगा प्लाजो का, मतलब पूरे कुर्ता सेट का, ये आपको इलास्टिक पैटर्न में देखने को मिलेगा, जॉर्जेट फैब्रिक में है, अंदर की साइड प्रॉपर लाइनिंग अटैच है, लेकिन नीचे आपको ना इसमें इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी एंड जरी वर्क प्लस सिक्वेंस का काम देखने को मिल जाएगा, तो ये प्रॉपर हैवी ड्रेस है कोई भी वेडिंग फंक्शन में स्टाइल करने के लिए, स्पेशली मेहंदी फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ में आपको मिलती है इस तरीके की कुर्ती, जो कि इस तरीके की कुर्ती है, पूरी सिक्वेंस में आपको कुर्ती देखने को मिल जाएगी, 3/4 इसमें स्लीव्स दी हुई है, यहाँ पे भी आपको वर्क देखने को मिल जाएगा अच्छा खासा, राउंड नेक है एंड कुछ इस तरीके की ये कुर्ती है, बैक है ना बिल्कुल प्लेन दिया है और जॉर्जेट फैब्रिक में है, लाइनिंग जो है वेस्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी नीचे से पूरी ट्रांसपेरेंट है एंड काफी लॉन्ग कुर्ती है, तो इस तरीके की कुर्ती आएगी। ये फ्री साइज में ड्रेस है, तो अगर आप XL XXL साइज में हो तो भी आपके इजीली आ जाएगी, एस एम और एल वाले भी इसे ऑल्टर करा सकते हैं, यानी कि up to 42 है तो XL XXL में भी इजिली आ जाएगी। साथ में ना इसमें कॉन्ट्रास्ट के लिए इन्होंने इस तरीके का इसमें दुपट्टा दिया हुआ है, ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का ये दुपट्टा है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर दुपट्टा इसमें लग रहा है, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस ड्रेस को, ये जॉर्जेट फैब्रिक में है, यहाँ पे आपको ना इस तरीके का इसमें जरी का वर्क देखने को मिल जाएगा, सिक्वेंस का काम दिया हुआ है, ये आप देख रहे हो ना काफी अच्छा बॉर्डर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, तो कुछ इस तरीके की ड्रेस है, इस तरीके का दुपट्टा आएगा, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, काम नीटली किया हुआ है, इसके साथ ये दुपट्टा बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आप कोई भी वेडिंग फंक्शन में स्पेशली मेहंदी फंक्शन में इसे स्टाइल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ये एक साड़ी है, क्योंकि व्हाइट कलर की साड़ी को लेके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और ना समर का टाइम भी चल रहा है, तो मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, स्पेशली इसका ब्लाउज है ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो ब्लाउज के लिए मैंने इसे परचेज किया है, क्योंकि इसमें ना मल्टी कलर जो ब्लाउज दिया हुआ है वो भी एम्ब्रॉयडर्ड,
इतना प्यारा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज बताती हूँ। पहले आप साइड में इमेज देखना, सेम आपको ना वैसा की वैसा इसमें ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस ना, कितना प्यारा है। ये आएगा ब्लाउज का फ्रंट है जो कि फुली एम्ब्रॉयडर्ड एंड सिक्वेंस में दिया हुआ है। कितना नीटली काम किया हुआ है। ये टफेटा सिल्क में आपको देखने को मिल जाएगा। एक कंप्लीट एम्ब्रॉयडर्ड है। साथ में जो स्लीव्स दी हुई है ना, वो आपको इस तरीके की हैवी स्लीव्स इसमें देखने को मिल जाएगी। सॉरी वो उल्टा था, यहाँ पे इस तरीके की स्लीव्स इसमें दी हुई है। दोनों स्लीव्स के लिए इन्होंने दिया हुआ है। ये एक स्लीव्स के लिए दिया हुआ है, ये दूसरी स्लीव्स के लिए दिया हुआ है। तो है ना, ये 1 मीटर के अराउंड इन्होंने फैब्रिक रखा है। तो अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में है तो भी आपके इजिली आ जाएगा। इससे आप ना वैसा की वैसा ब्लाउज स्टिच बनाना जैसा पिक्चर में दिया हुआ है। क्योंकि ना इसमें नेक ऑलरेडी इन्होंने ना फ्रंट में आप देखोगे ना, नेक ऑलरेडी दी हुई है, वी नेक, वो भी काफी डीप अच्छी खासी। तो इस तरीके की अगर आप नेक पहनने में कंफर्टेबल हो तो आप कढ़ा सकते हो। बाकी अपने अकॉर्डिंग भी नेक हो जाएगी, मतलब ज्यादा डीप मत कढ़ाओ, थोड़ा ऊपर तक भी कढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप इस तरीके की डीप नेक पहनने में कंफर्टेबल हो फ्रंट से, तो ये बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत प्यारा ब्लाउज इससे स्टिच होगा। क्योंकि इसमें ना इस तरीके की लेस भी दी हुई है जो कि आप है ना स्लीव्स पे लगवा सकते हो, बैक में लगवा सकते हो। तो टोटल मिला के ये 1 मीटर के अराउंड ब्लाउज आएगा। एंड जो साड़ी है वो ना इस तरीके की आपको साड़ी देखने को मिल जाएगी, जॉर्जेट फैब्रिक में, व्हाइट कलर में साड़ी है पूरी। और लाइनिंग पैटर्न में इसमें जरी का काम दिया हुआ है, साथ में सिक्वेंस का काम दिया हुआ है। लुक एट दिस, बहुत ही प्यारी साड़ी है ये वाली, काफी अच्छा लुक आएगा। लेकिन मुझे साड़ी से अच्छा है ना ब्लाउज लगा, क्योंकि ब्लाउज से ही कम्प्लीट लुक आ रहा है। यहाँ पे आपको इस तरीके के टैसल देखने को मिल जाएंगे। लुक एट दिस, तो ये 5.5 मीटर की आपको कंप्लीट साड़ी देखने को मिल जाएगी। 1 मीटर के अराउंड ब्लाउज पीस है। तो अगर आपको व्हाइट कलर में कोई साड़ी चाहिए या फिर कोई भी वेडिंग फंक्शन में स्टाइल करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी साड़ी है। पूजा वगैरह में भी आप पहनते हो तो काफी ज्यादा प्रिटी लगेगी। तो डे फंक्शन के अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया। और अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में। इससे सिमिलर ड्रेस मैंने कल भी आपके साथ शेयर की थी, वो 800 के अराउंड थी। ये 600 के अराउंड आपको ड्रेस देखने को मिल जाएगी। स्कर्ट और क्रॉप टॉप का सेट है। तो कुछ इस तरीके की आपको स्कर्ट देखने को मिलेगी। पॉल्पा डॉट में है, फ्री साइज में है, पर मुझे नहीं लगता है एक्सल डबल एक्सल में आ पाएगी, ओनली एम और एल तक में इजीली आ जाएगी। ये फुली स्टिच है ना, ये जॉर्जेट फैब्रिक में है, फ्लेयर काफी अच्छा है, अंदर की साइड लाइनिंग है। थोड़ी लेंथ मुझे शॉर्ट लग रही है, क्योंकि एक तो प्राइस भी थोड़ी कम है, तो उसी अकॉर्डिंग अगर डिजाइनर ड्रेस लेते हो तो थोड़ी तो कमी आएगी। बाकी लेंथ थोड़ी शॉर्ट लग रही है मुझे। और इसमें ना इन्होंने इस तरीके का नाड़ा भी दिया हुआ है टेसल लगा के, तो आपको अलग से है ना कोई नाड़ा डालने की जरूरत नहीं है, ना ही टेसल लगवाने की जरूरत है। वो काफी अच्छा इन्होंने ना रेडी करके इसमें दिया हुआ है, ये इस तरीके का दिया हुआ है, तो आप इजीली इसमें डाल लो। बाकी जिनकी हाइट शॉर्ट है या फिर जिनका बजट इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छी ड्रेस है, क्योंकि इसका ब्लाउज बहुत प्यारा है। तो इस तरीके का आपको इसमें ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। ये ना इससे सिमिलर मैंने कल शेयर किया था ना, उसमें पैडेड ब्लाउज था बस, बाकी एज इट इज थी, वो 800 के अराउंड थी, ये 550-600 के अराउंड है। तो उस अकॉर्डिंग बेस्ट ड्रेस है ये। और इस तरीके की आपको ये ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, क्रॉप टॉप वाला और जॉर्जेट फैब्रिक में। थोड़ा उसका ब्लाउज ना थोड़ा सा अच्छा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसका ब्लाउज थोड़ा अच्छा था, क्योंकि प्राइस में भी थोड़ा डिफरेंस है ना, 250-300 रुपए का, तो इसलिए। बाकी इस तरीके का है ये, जॉर्जेट फैब्रिक में, अंदर की साइड लाइनिंग अटैच है, फ्री साइज में है, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ऑल्टर करा सकते हैं। इसमें आपको कलर ऑप्शन डिजाइन काफी सारे दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। तो ये है जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने अब की बार पिक किया। तो गाइस ये था मेरा आज का कंप्लीट हॉल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। एंड मीशो से और कुछ देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आज के कलेक्शन में से फेवरेट आउटफिट कौन सा है वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बताना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।